पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान नकल को लेकर एक परीक्षार्थी युवक ने अपने चेहरे पर लगाए हुए N95 मास्क में ऑडियो वीडियो डिवाइस असेंबल किया था, जिसे लेकर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की सतर्कता ने इस परीक्षार्थी युवक के प्रयासों को विफल कर दिया। इस दौरान पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर की गई गहन जांच के दौरान मास्क के साथ मोबाइल गैजेट को जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं तो मास्क चेक करते समय नकल करने वाले परीक्षार्थी युवक ने पुलिस का ध्यान भटकाया और वहां से फरार हो गया। पिंपरी चिंचवड़ शहर के हिंजवड़ी इलाके के ब्लू रिज स्कूल में इस चौंकाने वाले किस्से के मास्क मोबाइल का खुलासा हुआ है। पिंपरी चिंचवड़ शहर पुलिस के उपायुक्त श्री मंजा किप्पर के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हिंजवड़ी पुलिस ने मास्क और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और अब उस मोबाइल फोन में लगाई हुई सिम के माध्यम से हिंजवड़ी पुलिस उस परीक्षार्थी युवक को जल्द ही ढूंढ निकालेगी और उस पर उचित कार्यवाही भी करेगी। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बल में 720 पदों के लिए पुणे, पिंपरी चिंचवड़, अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, नासिक और नागपुर शहर के 444 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस फोर्स में इस भर्ती के लिए करीब 1,90,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। निजी कंपनी चीफ सॉफ्टवेयर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है। यहाँ 1300 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए। 56 वहाँ पर रूम है, क्लासरूम्स है जहाँ ये परीक्षा ली जा रही है, लेकिन एंट्री करते वक्त हमने सीसीटीवी कैमरा और पुलिस कांस्टेबल और कर्मचारियों को रखा था, उनकी जो भी वस्तुएं हैं उनकी जांच के लिए। और इसी संदर्भ में पुलिस कांस्टेबल देवकाते ने सतर्कता बरतते हुए ये मास्क उसके पास से लिया था, एक परीक्षार्थी के पास से। परीक्षार्थी ने तुरंत दिखाया कि उसके एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ चिपकाना रह गया है और इसलिए वो वापस जाता है, फोटोग्राफ चिपका के लाता है और उसका पेन भी छूट गया है और इस कारण उसको जाने दिया। लेकिन जब थोड़ी देर तक वो नहीं आया तो संशय पक्का हुआ और इसमें थोड़ा सख्त भी लग रहा था मास्क, इसलिए इंस्पेक्टर जो हैं सीनियर इंस्पेक्टर श्री सावंत को उनको बुलाया गया और उनके सामने जब इसको खोला गया तो एक पूरा का पूरा सर्किट मोबाइल का तैयार किया गया है यहाँ पर, जहाँ पे सिम कार्ड लगाया जा सकता है और जहाँ बैटरी से इसको जोड़ा जा सकता है और उसके बाद ब्लूटूथ के सहारे बातचीत की जा सकती, सुनी जा सकती है। जो अपराधी है, जो कॉपी करना चाहता था, जो अनफेयर मीन्स करना चाहता था, वो व्यक्ति जरूर भाग गया है। वो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है लेकिन सरेंडर करना उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि इसमें जो सिम कार्ड है इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किसके नाम पर लिया गया है और उसके सहारे हम आरोपी तक जरूर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज़, पिंपरी चिंचवड़।